नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल CK.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ इंदिरा वन मितान योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। और इस योजना की घोषणा जो है 9 अगस्त 2020 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किया गया है। और योजना का उद्देश्य जो है वन धन का समुचित उपयोग करने के माध्यम से रोजगार सृजन करना है आदिवासी क्षेत्र में। और इंदिरा वन मितान योजना के तहत जो है आदिवासी क्षेत्र के जो है 10,000 गांवों को शामिल किया जाएगा। और इन क्षेत्रों के जो है 19 लाख परिवारों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और अनुसूचित क्षेत्र के विकास के लिए गठित किए जाने वाले समूह में 10 से 15 सदस्य होंगे। और इस तरह के समूह जो है राज्य के सभी विकास खंड में बनाए जाएंगे, जो कि वन मित्र के नाम से जाने जाएंगे। और ये वन मितान अपने अपने क्षेत्र के जो है वन उपज की खरीदारी, वन संपदा का संरक्षण, प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग की व्यवस्था करेंगे, जिससे आदिवासियों को उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। और राज्य के सभी 85 विकास खंडों में वन उपज प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करने का भी लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है। और इस योजना के संचालन से जो है छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र जो है आदिवासी जनजातियों के क्षेत्र उनके रोजगार का सृजन होगा। और जिससे जो है छत्तीसगढ़ राज्य में राजस्व में वृद्धि होगी। और योजना के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। और जो भी इस योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्र के 10,000 गांव चुने जाएंगे, उन सभी उन गांवों में से ही उन गांवों के युवाओं को ही इस योजना के तहत समूह में गठित किया जाएगा। और ये जो युवाओं के समूह हैं, इन्हें प्रत्येक 10,000 गांवों में अलग अलग समूहों में बांटा जाएगा। और ये समूह जो है अपने अपने क्षेत्र के वन उपज का संरक्षण और संग्रहण, प्रसंस्करण और मार्केटिंग का कार्य देखेंगे। और जिससे जो है आदिवासियों को उनके वन उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। और इससे आदिवासी जनजीवन के जीवन स्तर में जो है प्रगति होगी। और वन मितान समूहों को जो है वृक्षों के प्रबंधन का अधिकार भी सौंपा जाएगा, ताकि वन उपज के संग्रहण, संरक्षण, प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग का कार्य जो है स्वतंत्र रूप से करने में उन्हें किसी प्रकार की रुकावट का सामना न करना पड़े। और राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में फलों एवं औषधीय वनस्पतियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। और योजना के संचालन से जो है आदिवासी क्षेत्र के युवा आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे। तो दोस्तों, इस योजना की अभी केवल घोषणा हुई है, और जैसे ही ये योजना जो है संचालित की जाएगी छत्तीसगढ़ राज्य में, और इस योजना में जो है आवेदन की जानकारी के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, तो उसके आगे की जानकारी जो है अपडेट करूंगी मैं CK.com योजना वेबसाइट पर और YouTube चैनल CK.com YouTube चैनल पर। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे YouTube चैनल CK.com को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आदिवासी क्षेत्र के जो छत्तीसगढ़ राज्य के युवा हैं
इस योजना की जानकारी से अवगत हो सके और इस योजना के शुरू होने पर इसका लाभ उठा सके।